दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक ही आपको देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिला था, जिसकी आईपीओ की ओपनिंग डेट थी 4 अगस्त 2021 और आईपीओ की क्लोजिंग डेट थी 6 अगस्त 2021। तो डेफिनेटली आपने इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन कल आपकी यहां पर लॉटरी खुलने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ की कल अलॉटमेंट है। आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, दिव्यानी इंटरनेशनल आईपीओ की करंटली आज की क्या जीएमपी निकल कर आ रही है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, और अगर कल ये आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो क्या लिस्टिंग स्ट्रेटेजी आपको इसके अंदर लेकर चलना है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 86 रुपीज से लेकर 90 रुपीज की इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी। साथ ही साथ अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई करा है तो यहाँ पर एक लॉट के अंदर आपको 165 यानी कि 165 शेयर्स यहाँ पर अलॉट होंगे अगर देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मिलता है तो। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल्स बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ की यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की अगर बात करी जाए तो 11 अगस्त 2021 यानी कि कल के दिन में आपको देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपको अलॉटमेंट एक्टिव हो जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलॉटमेंट के बाद में आपको इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 16 अगस्त 2021 के दिन देखने को मिलने वाली है। तो लिस्टिंग डे के दिन आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है उसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपने भी देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट लगाया है तो आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। उसके पहले मैं आपको आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ जो कि लगभग 116 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, यानी कि अगर कल यह आईपीओ आपको अलॉट होता है तो डेफिनेटली आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ जो कि यहां पर रजिस्ट्रार है लिंक इंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, यानी कि सबसे पहले अलॉटमेंट स्टेटस आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इंक टाइम की लिंक भी दे दूंगा। फर्स्ट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लिंक इंक टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर जहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी का स्टेटस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अभी आपको सिर्फ दो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड और नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यहाँ पर कल आपको देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का नाम भी देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है। कंपनी का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे अपने पैन नंबर को यहां पर फिल करना है और सबमिट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। अगर लिंकिंग टाइम के ऊपर आपका अलॉटमेंट स्टेटस शो नहीं होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकेंड लिंक यहाँ पर मिलेगी जो कि आपको डायरेक्ट BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगी। BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको इश्यू टाइप के अंदर इक्विटी सिलेक्ट करना है। इक्विटी आप जैसे ही यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इश्यू नेम में आपको यहां पर बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि देवयानी आईपीओ सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहां पर आप देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ सिलेक्ट करेंगे और जब आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहां पर अलॉट हुआ होगा, वो एप्लीकेशन नंबर और आपका पैन नंबर आपको यहां पर डालना है। और जैसे ही आप पैन नंबर डालकर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है। अब बात कर लेते हैं कि देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का करंटली आज के दिन का जीएमपी क्या निकल कर आ रहा है और कितने परसेंट आपको लिस्टिंग गेन यहां पर देखने को मिल सकता है।
तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ की करंटली जो यहां पर जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल कर आ रही है वो 53 रुपीज निकल कर आ रही है, यानी कि इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 90 रुपीज रखा गया था। 90 रुपीज में अगर हम 53 रुपीज को यहां पर एड कर देते हैं तो आपको 143 रुपीज पर इस शेयर की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि अराउंड 60% का लिस्टिंग गेन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने भी देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ में अगर मैं आपको इस कंपनी की कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो देवयानी इंटरनेशनल जो कि यहां पर कंपनी 1991 से इनकॉर्पोरेटेड है, और अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ इज एंगेज्ड इन यम ब्रांड्स एंड अमंग द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन ऑपरेटर्स इन इंडिया विद 655 स्टोर्स अक्रॉस 155 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन ऑपरेट्स मेनी फास्ट फूड ब्रांड्स लाइक पिज़्ज़ा हट KFC एंड टेको बेल ब्रांड्स। अगर हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल रिकॉग्नाइज QSR ब्रांड्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया क्रॉस ब्रांड सिनर्जिस प्रोवाइड ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिट्स डिसिप्लिनड फाइनेंशियल अप्रोच विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क 264 KFC स्टोर्स 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स एंड 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स। अब हम यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सबसे पहले अगर हम कंपनी की टोटल असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी जो है फूड के बिजनेस पर डिपेंडेंट है, और आपको पता है कि पिछला एक साल पैंडेमिक के कारण यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होते हुए हमें देखने को मिला है, जिस कारण से कंपनी की टोटल असेट्स के साथ साथ टोटल रेवेन्यू के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में कंपनी ने जो लॉस बुक किया था उसके अंदर हमें काफ़ी शानदार रिकवरी मार्च 2021 के अंदर देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लिस्टिंग स्ट्रेटजी तो हम आपको 2 दिन पहले बताएंगे कंपनी के लिस्टिंग होने के पहले, लेकिन यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक प्रोवाइड करी गई है, एक BSE के ऑफिशियल साइट की लिंक है और दूसरे लिंक इंक टाइम की लिंक है, जहां पर सबसे पहले आपको देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का स्टेटस देखने को मिलने वाला है। जैसे ही अलॉटमेंट ओपन होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।